Hey, what is up guys? I am Aniket and you are watching The Screen Education. Guys, इस वीडियो में आपको MIUI 12 based कुछ कमाल की थीम्स के बारे में बताऊंगा, जिनको आप अपनी किसी भी Redmi और Poco डिवाइस में अप्लाई कर सकते हो। और इन थीम्स की हेल्प से जो है आप अपनी डिवाइस के कंट्रोल सेंटर, लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन और यहाँ तक कि अपने आइकॉन्स को भी कस्टमाइज कर सकते हो। तो गाइज, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, मिनिमम 500 लाइक्स का टारगेट है। बाकी चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइज। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। बात करते हैं अपनी पहली थीम की। तो ये जो थीम है ये iOS 13 स्टेबल नाम से थीम स्टोर पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो गाइज, जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, ये जो थीम है iOS 13 से इंस्पायर्ड थीम है और जो इसका यूजर इंटरफेस है ना, वो पूरा का पूरा आईफोन बेस्ड है। यानी कि इस थीम को अप्लाई करके आप अपनी डिवाइस पर आईफोन जैसा लुक एक्सपीरियंस कर पाओगे। उसके साथ ही ये जो थीम है काफ़ी सारे एडिशनल कस्टमाइजेशन के साथ में आती है। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट गाइज। अगर मैं बात करूँ इस थीम की होम स्क्रीन की, तो हमें यहाँ पर कुछ इस तरह की स्टनिंग सी होम स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जो देखने में बिल्कुल आईफोन जैसी ही लगती है। बट होम स्क्रीन पर ये जो दो विजिट्स हमें देखने को मिलती हैं, जिनमें से एक वेदर विजिट है तो दूसरी म्यूजिक विजिट, ये हमारी होम स्क्रीन को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। और जब आप इस थीम को अप्लाई कर लेते हो तो इनिशियली हमें कुछ इस टाइप की होम स्क्रीन देखने को मिल जाती है, बट आप इसको जो है अपने हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप साइड में देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आपको क्विक एक्सेस टॉगल्स दिए गए हैं, तो यहाँ से जो है आप अपनी होम स्क्रीन का लुक चेंज कर सकते हो। आप यहाँ से काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप की वॉलपेपर्स सेलेक्ट कर सकते हो, जो कि आईफोन को ही बिलोंग करते हैं और काफ़ी सारे फीचर्स भी हमें इस टॉगल में दिए गए हैं। तो अगर आप चाहें तो इस विजिट को आप रिमूव भी कर सकते हैं। बात करते हैं इस थीम की लॉक स्क्रीन की। तो गाइज, जो लॉक स्क्रीन है वो बिल्कुल आईफोन जैसी ही है और जो क्लॉक विजिट है लॉक स्क्रीन पर, ये भी बिल्कुल आईफोन वाली है। अगर आप यहाँ से स्वाइप डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको आईफोन वाला कंट्रोल सेंटर भी देखने को मिल जाता है, जो कि इस थीम का बेस्ट पार्ट है। आप देख रहे होंगे बिल्कुल आईफोन वाला लुक आ रहा है इस कंट्रोल सेंटर की हेल्प से लॉक स्क्रीन पर। नाउ मूविंग ऑन, अगर हम बात करें थीम के आइकॉन की, तो आइकॉन्स भी यहाँ पर आईफोन वाले ही हैं, ज़रा सा भी चेंज नहीं है आइकॉन्स में। सारे के सारे आइकॉन्स जो हैं आपको आईफोन वाले ही देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ सेटिंग्स की अगर बात करें तो यहाँ पर पूरा का पूरा यूज़र इंटरफेस हमें आईफोन की तरह देखने को मिल जाता है। पूरी की पूरी सेटिंग्स जो हैं वो आईफोन की सेटिंग्स की तरह दिख रही हैं यहाँ पर। उसके साथ ही फॉन्ट्स, मैसेज विंडो, डायलर, ये भी बिल्कुल चेंज हो गए हैं। आप देख पा रहे होंगे कि डायलर भी बिल्कुल आईफोन वाला फील दे रहा है। अब बात करते हैं हमारे मेन कंट्रोल सेंटर की गाइस। तो जो हमारा मेन कंट्रोल सेंटर है ये भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल कंट्रोल सेंटर। तो गाइस, अगर आप भी अपनी डिवाइस पर आईफोन वाला मज़ा लेना चाहते हैं तो इस थीम को ज़रूर से ट्राई कर लेना, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा जो यूज़र इंटरफेस है ना, वो आईफोन के यूज़र इंटरफेस पर बेस्ड है। सो डेफिनेटली चेक इट आउट गाइस। गाइज, नेक्स्ट जो थीम है वो है स्टार वॉर्स, और थीम स्टोर पर आपको ये सेम नेम से मिल जाएगी। और गाइज, ये जो थीम है ये मेरी पर्सनल फेवरेट थीम है, क्योंकि एक टाइम पे मैं स्टार वॉर्स का फैन रह चुका हूँ। आई वॉज काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड विद दिस शो एंड आई एम श्योर दैट मैनी ऑफ यू आर ऑल्सो फैन ऑफ दिस शो। ना कमिंग टू द पॉइंट, इस थीम की जो होम स्क्रीन है गाइज, ये कुछ एक शार्प से वॉलपेपर के साथ में आती है, और ये जो क्लॉक विजिट है ये काफ़ी ज़्यादा स्टनिंग लग रही है करंट वॉलपेपर पर। और गाइज, होम स्क्रीन में आपको कुछ ज़्यादा कस्टमाइजेशन तो देखने को नहीं मिलता है, बट आफ्टर ऑल होम स्क्रीन स्टिल लुक्स डैम स्टनिंग। गाइज, अब बात करते हैं थीम के आइकॉन्स की। तो जो थीम के आइकॉन्स है ना, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। साइज में थोड़े से छोटे दिखते हैं पर काफ़ी ज़्यादा शार्प हैं, और जो रेड एंड ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है ना गाइज, वो इन आइकॉन्स को और भी ज़्यादा स्टाइलिश लुक देता है। अभी बात करते हैं थीम की सेटिंग्स की गाइज। तो जो आप देख पा रहे होंगे सेटिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश हैं, चेंज हो गया है पूरा का पूरा यूज़र इंटरफेस और काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश सा लग रहा है। फॉन्ट्स भी चेंज हो गए हैं सेटिंग्स में, और आइकॉन्स भी काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश हैं सेटिंग्स के। बात करते हैं अगर हम अपनी मैसेज विंडो की, तो गाइज जो मैसेज विंडो है हमारा काफ़ी ज़्यादा चेंज है। डायलर की बात करें तो डायलर भी हमारा जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है, इसमें कुछ इस तरह का लुक आपको देखने को मिल जाता है। गाइज, अब बात करते हैं इस थीम के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की, यानी कि इस थीम की लॉक स्क्रीन की। तो गाइज, इस थीम की जो लॉक स्क्रीन है इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। सबसे पहले देखते हैं लॉक स्क्रीन की क्लॉक विजिट को। तो कुछ इस तरह की क्लॉक विजिट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है काफ़ी सारे वॉलपेपर्स देखने को मिल जाते हैं, जिनमें हर एक वॉलपेपर जो है डिफरेंट टाइप के एनिमेशन के साथ में आता है। मतलब जब भी जो है आप अपनी लॉक स्क्रीन को ऑन करोगे, आपको हर वॉलपेपर का एनिमेशन देखने को मिलता है, जो भी वॉलपेपर आपने सेट करके
रखा होगा। तो काफ़ी सारे वॉलपेपर्स इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। इसको आप अप्लाई कर सकते हो और अपने एनिमेशन को भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। उसके साथ ही वॉलपेपर्स को जो है, वॉलपेपर का जो एनिमेशन होता है उसको आप इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हो। आई मीन यू कैन डिसेबल द एनिमेशन इफ़ यू लाइक टू कीप इट सिंपल। गाइज, मूविंग टूवर्ड्स इट्स कंट्रोल सेंटर, तो जो कंट्रोल सेंटर है इस थीम का वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, रेड और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है इस थीम को काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त बनाता है। सो इफ़ यू गाइज लाइक दिस थीम, डेफिनेटली चेक इट आउट। गाइज, हमारी जो नेक्स्ट थीम है इसका नाम है डार्कनेस। और गाइज, ये जो थीम है ना, ये काफ़ी ज़्यादा कमाल की थीम है। आई मीन ये जो थीम है ना, काफ़ी ज़्यादा कलरफुल और मिनिमलिस्टिक होने वाली है। कस्टमाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कुछ उतना खास कस्टमाइजेशन है नहीं, पर जो है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है। सबसे पहले तो बात करते हैं थीम की, होम स्क्रीन की। गाइज, तो एज यू कैन सी, होम स्क्रीन जो है काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आई मीन द विजेट्स, द कलर्स, द आइकॉन्स एंड द कलर कॉम्बिनेशन, एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट। यहाँ पर आपको एक एनालॉग क्लॉक विजेट देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है देखने में। उसके साथ साथ डिजिटल क्लॉक भी आपको देखने को मिल जाती है, एंड अलॉन्ग विद दैट हमें यहाँ पर डेट और वेदर भी देखने को मिल जाता है। उसके अलावा अगर आपने एक चीज़ नोटिस की हो तो यहाँ पर जो है स्टेटस बार जो है ना, आपका काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। यहाँ पर स्टेटस बार आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराता है, तो ये जो है काफ़ी अच्छी बात है। बात करते हैं थीम के आइकॉन्स की, तो गाइस थीम के जो आइकॉन्स हैं ना, काफ़ी ज़्यादा यूनिक हैं। काफ़ी कलरफुल से आइकॉन्स देखने को हमें मिल जाते हैं इस थीम में। उसके अलावा थीम की सेटिंग्स भी बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं। आई मीन फॉन्ट्स एंड आइकॉन्स बिल्कुल कलरफुल और काफ़ी मतलब प्रॉपरली विजिबल हैं। इस थीम के जो डायलर है ना, ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। आपको यहाँ पर बैकग्राउंड में एक डार्क वॉलपेपर देखने को मिल जाता है, उस पर ये कलरफुल डिजिट्स जो हैं देखने में काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प लगती हैं। इस थीम की जो लॉक स्क्रीन है ना गाइस, ये इस थीम को काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाती है। आई मीन आप देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको तीन टाइप की लॉक स्क्रीन देखने को मिल जाती है और साथ में वॉलपेपर स्विच करने का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। और हर लॉक स्क्रीन स्टाइल में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की विजिट्स देखने को मिल जाती हैं। सो यू कैन सेट लॉक स्क्रीन एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड एज पर योर चॉइस। मूविंग ऑन, अब बात करते हैं इस थीम के कंट्रोल सेंटर की। गाइस, तो गाइस कंट्रोल सेंटर जो है ना इस थीम का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, एंड अगेन द कलर कॉम्बिनेशन इज जस्ट ग्रेट, सो डेफिनेटली चेक इट आउट। तो गाइज, ये थी हमारी कुछ थीम्स जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ भी ज़रूर से शेयर करनी चाहिए। बाकी आप लोगों को थीम, कौन सी थीम सबसे ज़्यादा अच्छी लगी जिसको आप अपने फ़ोन पर सेट करोगे, कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो भाई लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ़।